आदिल अहमद खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आदिल जी, हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी द्वारा, सातों उम्मीदवार द्वारा वोट मांग रहे हैं जनता से, हालांकि आपका दावा था कि इन्हें वोट नहीं चाहिए। देखिए शिवांगी, सबसे पहले तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सात में से अपने छह कैंडिडेट बदले हैं, छह सांसदों का टिकट काटा है, वो इस बात की तरफ संकेत करता है कि या तो ये लोग किसी स्कैम में फंसे हुए थे और या तो ये निकम्मे लोग थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आज से पांच साल पहले टिकट दिया था। और इन सातों लोगों ने दिल्ली के विकास के कामों में रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप देखिए कि चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई बंद कराने का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो चेकिंग चेकअप होता है उसको ठप कराने का काम हो, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के बिजली पानी की और जो सीवर है उसको रोकने का काम किया हो, इन सब कामों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एलजी के माध्यम से मिलकर दिल्ली को ठप करने का काम किया। एक चीज और आपने देखा, जब माने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला उन्होंने दिल्ली की जनता के हक के लिए सुनाया था, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ये गैर संवैधानिक बिल संसद के अंदर लेके आई तो ये सातों सांसद टेबल बजाकर उस बिल का समर्थन कर रहे थे। मुझे लगता है दिल्ली की जनता बहुत बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी के इन कैंडिडेट का इंतजार कर रही है और अपने सम्मान का बदला जरूर लेगी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली के काम को रोककर, दिल्ली के विकास को रोककर, दिल्ली की जनता के हक को छीनकर अगर उनको उनको लगता है कि उनको दिल्ली के लोग वोट देंगे तो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी बेईमानी है। चलिए ठीक है, प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदिल जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, प्रीति जी स्वागत है आपका। घोटाले, स्कैम्स, ये तमाम चीजें बीजेपी के तमाम सांसदों के नाम पर थे, इसीलिए बदला गया क्या, आम आदमी पार्टी का कहना है? प्रीति जी आप सुन पा रही हैं मुझे? प्रीति जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मोनू वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से नेता जुड़ गए हैं। मोनू जी, लगातार आप आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ अभी भी इंतजार है, क्या आज का वो दिन है जब कांग्रेस के उम्मीदवार भी उतर आएंगे? देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार तो उतरने ही है, ठीक है, इसमें तो कोई दोराय ही नहीं है। हाँ ठीक है, एक दो दिन ऊपर नीचे लेट सवेर हो रही है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे और बेहतरीन उम्मीदवार आएंगे, ठीक है। दिल्ली की जो तीन सीट इंडिया अलायंस के उसमें हमारे कांग्रेस के खाते में आई है, हम तीनों की तीनों सीट तो जीतेंगे ही, और प्लस इंडिया अलायंस की हम सातों सीट जीतेंगे, ये हमारा वादा है। दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार करेगी कि बीजेपी के शासन को दिल्ली के यहां से उतार के फेंकवे। ठीक है मीनू जी, प्रीति जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आदिल जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि लगातार जो स्कैम, जो घोटाले बीजेपी सांसदों के नाम पर निकल कर आ रहे थे, क्या यही वजह है कि इस बार सांसदों के नामों को में बदलाव किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी जो है वो संगठन और सत्ता को इकट्ठे लेके चलती है, बैलेंस बना के चलती है। कभी कोई व्यक्ति संगठन में होता है, कभी कोई व्यक्ति सत्ता में होता है, तो ये बदलाव हमारी पार्टी में होते आए हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा जैसे कर ही दी है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि 2019 में अगर आप देखेंगे तो 2014 से 2019 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा था, 2019 में हमारा वोट परसेंटेज जो था वो 56% था। उसके बाद चाहे कोरोना काल को ले लीजिए, चाहे G20 को ले लीजिए, चाहे जितनी मोदी जी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हो, उनका लाभ लाभार्थी हमारे आज हर बूथ पे दिल्ली के लाभार्थी हैं। कोरोना काल को लोग भूल नहीं सकते हैं, किस तरह से हमारे सातों सांसदों ने, सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो खाना वितरण हो, चाहे दवाइयां उपलब्ध करानी हो, चाहे ऑक्सीजन क्यों ना उपलब्ध करानी हो। उसके बाद चाहे दिल्ली सरकार द्वारा पीड़ित जो दिल्ली की जनता है, चाहे वो प्रदूषण से जूझती है, चाहे दिल्ली के ट्रैफिक से जूझती है, टूटी हुई सड़कें यहाँ पर हैं, वो दिल्ली सरकार की देन है ना। और जो ये बात करते हैं, दिल्ली की जनता ने, जिस जनता ने इनको इतने बड़े मैंडेट से जिताया, वो ना ही सिर्फ विधानसभा में बल्कि उनको निगम में भी बार बार कहते थे निगम हमें दे दो, निगम हमें दे दो। दिल्ली की जनता ने इनकी झोली में निगम को भी डाल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोई भी काम किया? आप दिल्ली में देखिए ना, अगर इन्होंने काम किया है तो हर घर के बराबर में शराब के ठेके खुलवाए हैं, हर स्कूल के अंदर इन्होंने घोटाले किए हैं, जो क्लासरूम का प्रॉमिस इन्होंने किया था, क्लासरूम छोड़िए, जो इन्होंने 2-4-10 क्लासरूम्स बनाए भी हैं, बाथरूम्स को भी क्लासरूम में जोड़ दिया। और जिस ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया क्लासरूम्स बनाने का, वो ठेकेदार वो था
जिसको इन्होंने कोरोना काल के अंदर अपना शीश महल बनाने का ठेका दिया था। आप सोच के देखिए, इन्होंने तो जो घोटाले महिलाओं के साथ में, महिलाओं के नाम पे इन्होंने घोटाले किए, इन्होंने पैनिक बटन घोटाला, जिस तरह का घोटाला कभी कोई सोच नहीं सकता, उस तरह का पैनिक बटन घोटाला इन्होंने कर दिया। दिल्ली में बसों का वादा किया, वो बसें इन्होंने उपलब्ध कराई नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने अभी बताया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन और जनता सेवा का आदिल जी, प्रीति जी ने तो वोट परसेंटेज के आंकड़े रख दिए सामने। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता अगर ये बता पाता कि उनके 7 सांसदों ने पिछले 5 सालों में, बल्कि पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, तो दिल्ली की जनता उस पर थोड़ा सोचती। पर बहुत ही अफसोस है कि जब भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं बोला था, ये तरीका नहीं, इनको इसका म्यूट कीजिए, इनको बोलवा लीजिए, तो मैं बोल लेता हूँ। आदिल जी आप ही बोल लीजिए, प्रीति जी की बात पूरी कीजिए, समय कम है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये 7 सांसद पिछले 10 साल में निकम्मा साबित हुए हैं। एक काम भाजपा का कोई प्रवक्ता या नेता बता दे कि उन्होंने पिछले 10 साल में काम किया हो दिल्ली की जनता के लिए। आज जब लोकसभा का चुनाव है तो इनको बड़ी बड़ी बातें याद आ रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के विकास को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब दिल्ली बाढ़ में डूब रहा था तब ये लोग अपने अय्याशियां कर रहे थे। जब दिल्ली कोरोना से कराह रहा था तब 7 सांसद गायब थे। जब दिल्ली पूरी तरीके से त्राहिमाम की स्थिति में था, ये लोग लगातार, इनका दिल्ली का आप वो उठा के देखिए, जो ये लगातार मांग करते, ये कहते रहे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज देंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज देंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में एक फैसला सुनाया तो 7 सांसद जाकर बैठ गए कि ये दिल्ली का हक कैसे छीना जाए। तो आज दिल्ली की जनता बहुत करीब से देख रही है कि आप अपने मैनिफेस्टो में जो लेके आते हैं उसको भी पूरा नहीं करते, जो आप वादा करके आते हैं उसको भी पूरा नहीं करते। दिल्ली के लोग महंगाई से परेशान हैं, दिल्ली के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, दिल्ली के लोग आपके हर एक वादे को, यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर देश का किसान बैठा रहा एक साल तक, 750 किसानों की हत्या की भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे देश का, दिल्ली का लोग, दिल्ली के लोग उसको भूलेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहिए। दिल्ली की जनता के साथ जो बड़ा धोखा किया है कि एक चेहरे को लेकर आए और उनको 5 साल तक उन लोगों ने दिल्ली की जनता को लूटा और 5 साल के बाद आपने उनका चेहरा बदल दिया। सेम यही हाल आपने एमसीडी में भी किया था, एमसीडी के अंदर भी आप चेहरा बदल के लाए थे और आपने कहा था कि ये नए चेहरे पुराने वाले से कम भ्रष्टाचारी होंगे, पर जब नए चेहरों को दिल्ली की जनता ने वोट दे के एमसीडी के अंदर भेजा तो पुराने वाले से ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले। और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया, उनके नेतृत्व ने स्वीकार किया कि हाँ, ये पुराने से ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले। और इस बार आप देखें कि इन्होंने फिर चेहरा बदला और दिल्ली की जनता ने इनको लताड़ा। तो यही सेम स्थिति दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा में होने वाली है। इनके चेहरे बदल गए हैं पर इनके भ्रष्टाचार वही हैं। और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हो, उनके प्रवक्ता कम से कम भ्रष्टाचार पर ज्ञान ना दे तो मुझे लगता है ठीक ही रहेगा। चलिए ठीक है आदिल जी, मीनू जी, अभी प्रीति जी जिन मुद्दों को उठा रही थी उनमें से कई ऐसे तो मुद्दे ये भी थे जो कि कांग्रेस भी, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। अब साथ में आप चुनावी मैदान में है, ऐसे में आपके अब क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबदा तो देश के अंदर इस टाइम इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चल रहा है। देखिए, आपने भी देखा है, मीडिया दिखा रही है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को आया है, ये पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की जनता ने देखा है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में, ये भ्रष्टाचार जो नया उजागर हुआ है बीजेपी के खिलाफ, इसके खिलाफ जो है इस बार देश की जनता वोट करेगी। खाली दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात मैं इस टाइम बता रही हूँ कि बीजेपी के खिलाफ इतना आक्रोश है जनता के अंदर कि चंदे के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो इन्होंने कितना घोटाला किया है, दिल्ली में भी इन्होंने बेरोजगारी और पूरे देश के अंदर बेरोजगारी जो इन्होंने कर रखी है, 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था हर साल, उनमें से ये कितने रोजगार दे पाए हैं ये अभी तक अपने किसी भी वेबसाइट पे कोई भी लिस्ट इन्होंने जारी नहीं करी है। पुख के तौर पर कुछ नहीं बता सकते, शिलान्यास पता नहीं कितनी चीजों का कर दिया है, कई हॉस्पिटल इनके कागजों में चढ़ गए हैं, लेकिन एक भी चीज जो है धरातल पे हमें नजर नहीं आई है, जनता को नजर नहीं है। इसका जवाब दिल्ली की जनता बिल्कुल बखूबी देगी और दिल्ली की जनता तैयार है इस टाइम पे कि इस टाइम किसको वोट देना है, किसकी सरकार सत्ता में लेके आनी है, किसका कितना बदलाव करना है। ठीक है जी, प्रीति जी। जी,
देखिए आज जो हर भारतीय ये अनुभव कर रहा है कि एक ईमानदार दृढ़ संकल्पी और मजबूत शक्तिशाली जो सरकार बनी है उसकी जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थी मैंने जैसे आपको बताया हर बूथ पे, और ये बात करते हैं जमाने की, हमारी सिर्फ कोशिश है इनको जगाने की। ये खुद जाग जाए, जब रामलीला मैदान में केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ बोलते थे ईडी की जांच हो, ये हो, फलाना हो, ये सब बोलते थे, उसके बाद आज इनको उनके साथ ही गठबंधन करना पड़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि पहले चुनाव से पहले ही डर गए हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो भी अपने घोषणा पत्र में लिखा एक भी बात को पूरा नहीं किया। आप बताइए ना इन्होंने क्या चीज पूरी की, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों की बात कर लेते हैं। इनसे पूछिए कि इन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, कुछ नहीं किया। किया तो कोरोना काल के अंदर अपना इन्होंने शीश महल खड़ा किया। अभी जो मेरी बहन ये कह रही थी जॉब की बात कर रही थी, तो क्या इनको ये नहीं मालूम है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का एविएशन किस तरह से तरक्की कर रहा है, और जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन तरक्की करता है तो उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और जॉब ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज बल्कि क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन से बढ़ती है, शराब के ठेके खोलने से, एक्साइज पॉलिसी में घोटाला करने से नहीं बढ़ती हैं। आप इनको ये बताइए, मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो ये कहते थे कि कूड़े के पहाड़ कम करेंगे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, हरे रंग का कारपेट बिछा के जो 75% काम किया था, वो जब भारतीय जनता पार्टी शासित निगम होता था तो उस टाइम पे उसमें ट्रॉमल मशीन लगी थी, उस टाइम पे उसके अंदर कॉम्पैक्टर मशीन लगी थी, उस टाइम पे कूड़े के खत्ते दिल्ली के अंदर बंद हुए थे, उसके बाद इन्होंने क्या वहां पे सुई भी हिलाई है? उन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता के पैसों से, गाड़ी कमाई के पैसों से इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट की। इन्होंने आप शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे इन्होंने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गधे और कुत्तों के अलावा कोई फोटो दूसरी देखने को नहीं मिलती। आप मरीज और डॉक्टर को छोड़ दीजिए, दवाई तक में वहां पे घोटाले ये करते हैं। शिक्षा की मैं बात आपको बता चुकी कि इन्होंने कितने क्लासरूम्स में कितने घोटाले किए हैं, क्लासरूम बनाने, क्लासरूम की गिनती, बाथरूम जो बनाए गए बाथरूम की भी गिनती इन्होंने क्लासरूम में ही कर ली। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ आदिल जी। देखिए मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो उनको अरविंद केजरीवाल सरकारी स्कूल देखने जाना होता है। यूएन के जो जनरल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जब हिंदुस्तान आते हैं उनको अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक देखने जाना होता है। ये बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी और इनके नेता जब गुजरात के अंदर एक स्कूल का किसी का उद्घाटन करने जाना होता है, तो वहां 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक स्कूल नहीं बना पाए, टेंट के अंदर जाके उद्घाटन किया, तो मुझे तो हंसी आती है। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और ये निकले बाहर, ये देखें कि किस तरीके से आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्ल्ड क्लास यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है और किस तरीके से अस्पतालों में फैसिलिटी दी गई है। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी राज्य में कोई काम नहीं किया, आज पूरे देश के अंदर दिल्ली और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे अनकट और फ्री बिजली आती है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है तो बताए कि एक राज्य उसका हो जहां पर 24 घंटे फ्री तो छोड़ती है, 24 घंटे बिजली आती हो, पानी 24 घंटे आता हो, शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली की तरह हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा हो, इस देश के नाम पर शहीद होने वाले के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हो, और तो और अब महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान राशि भी 1000 रुपए महीना मिलने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो बताते ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे हमने तो जो अपने मैनिफेस्टो में कहा उससे ज्यादा किया, हमने बिजली का बिल साफ करने की बात की थी, हमने बिजली का बिल माफ कर दिया। आप तो दिल्ली को ये कह रहे थे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और जब दिल्ली की जनता के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आपके सातों सांसदों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी खड़बड़ाए, उनको लगा अब ये क्या हो गया। रात के अंधेरे में एक काला बिल ला करके और सत्ता के अहंकार में पार्लियामेंट के अंदर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता आपके अहंकार को देख रही है, और अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं चला। आप कहते हो कि 400 पार, आपका एक सांसद कहता है कि 400 पार दे दो तो हम संविधान बदल देंगे, हमने देखा कि 2019 में 300 पार था, तो आपने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के सांसदों को बैठने नहीं दिया,
आपने 50-50 सांसदों को निलंबित कर दिया, जो आपके खिलाफ बोले उनको आपने जेल में डाल दिया, जो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है उसको आप जेल में डाल देते हैं। तो आप सत्ता के अहंकार में जो सरकार चला रहे हैं पूरे देश की जनता देख रही है, और बहुत ज्यादा बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के महापर्व में इस देश के 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। इस देश के किसानों के ऊपर जिस तरीके से पैलेट गन से गोलियां चलाई गई हैं, जिस तरीके से ठीक है, अब रोकना चाहूंगे आदिल जी, हमारे साथ सहीराम पहलवान जी जुड़ गए हैं, प्रत्याशी हैं दक्षिणी दिल्ली से। सहीराम जी, इस बार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो काम किए गए हैं बीजेपी उसके बलबूते पे आगे बढ़ रही है, सातों उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, क्या कहेंगे? नहीं, जो मेरे सामने प्रत्याशी है उनसे पूछो, उन्होंने कितने दल, कौन सी पार्टी उन्होंने छोड़ी है, कितनी पार्टी उन्होंने बदली है, और हमारा तो विकास का मुद्दा है। मैं अभी भद्रपुर होके आया हूँ, उन्होंने अपनी विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, कितने नए स्कूल बनवाए हैं। सही राम जी, अभी फिलहाल हमारे साथ प्रवक्ता हैं, उम्मीदवार हमारे साथ आप ही जुड़े हुए हैं, और लगातार जो बीजेपी दावा कर रही है, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी को वोट नहीं चाहिए, हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट ही मांगा है सभी प्रत्याशियों ने। नहीं, ये तो देखिए, सब प्रत्याशी का अधिकार है, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उसका अधिकार है, वो सभी प्रत्याशी वोट मांगेंगे, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दिए थे इनको, 702 ने दिल्ली की जनता के लिए कितनी बार लोकसभा में आवाज उठाई, या दिल्ली की जनता उनसे पूछना चाहती है जी, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो या झुग्गी झोंपड़ी हो, आपने देखा होगा अभी चुनाव में अभी इनके फिर एक होर्डिंग आएगा, जहां झुग्गी वही मकान, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव के बाद कहां चले जाते हैं इनके वादे। सही राम जी, इसके पहले तो बीजेपी का कहना है कि 3 सांसद तो आपके पास भी थे, उनकी तरफ से क्या किया गया? नहीं, हमारे सांसदों ने आवाज उठाई ना इनके खिलाफ, जहाँ जहाँ इन्होंने अत्याचार किया, लोगों के खिलाफ काम किए, वहाँ हमारे सांसदों ने आवाज उठाई, तभी तो उन्होंने बार बार उनको निलंबित किया गया है। ठीक है, धन्यवाद आपका सही राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सही राम जी जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, उधर बीजेपी की तरफ से भी जमीन पर उतर के आपके खिलाफ हमला बोला जा रहा है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।